यार रिकॉर्ड ब्रेक, मैं इसको रिकॉर्ड ब्रेक नहीं कहता, मेरा एक शौक था, मैं साइकिल चला रहा हूँ, तो मेरे किसी से, मैं हर साइकिलिस्ट से लव करता हूँ, जो भी इस मुल्क के अंदर साइकिल चला रहा है, हर उस आदमी से मैं लव करता हूँ, और मैं समझता हूँ वो बहुत बड़ा काम कर रहा है, क्योंकि जहाँ पे साइकिल को प्रमोट नहीं किया जा रहा है, दुनिया पूरी साइकिल पे आ रही है, और जहाँ पे कुछ ही जो लोग हैं साइकिल चलाते हैं, तो इस वजह से मैं इसको ये नहीं कहता कि किसी का मैंने रिकॉर्ड ब्रेक किया है नहीं किया है, मैं अपना काम कर रहा हूँ, साइकिल चला रहा हूँ, और ये मेरी कंपेन है कि मैं चाहता हूँ कि लोग और हुकूमत को साइकिल को प्रमोट करें और हम सब मिल के साइकिल को प्रमोट करें। खास ये सच कोई डिफ़िकल्ट नहीं था कि कोई डिफ़िकल्टीज है ऐसी कोई, वो वेदर डिफ़िकल्टीज होती है, मगर वेदर वही, उसी वेदर में आप बड़े बच्चे थे, हम तो इसी वेदर में बड़े हुए हैं, इसी में हम रहते हैं, तो वो भी इतना कोई आदमी को नहीं करती, थोड़ा बहुत करती है, मगर ठीक है। मैं बिल्कुल ही नया साइकिलिस्ट हूँ, और जो ये ग्रुप है हमारा साइकोलॉजिस्ट, जिसके अंदर मैं हूँ, और जिसकी जो टीम है, असद भाई है, सामिया भाजी हैं, आमिर भाई हैं, दिशान भाई हैं, तो ये वो लोग हैं जिन्होंने ये ग्रुप स्टार्ट किया। मैं एक फेसबुक पे देख के इन दोस्तों से आके मिला, और इन्होंने इतना इंस्पायर किया, मैं हालांकि उससे पहली राइड में आखिर में था, मगर ख़ासतौर पर सामिया भाजी और असद भाई खुद भी और आमिर भाई वाले आगे पीछे सब, जैसे आज भी सबके पीछे वाले, पीछे वाला भी कोई तकलीफ महसूस नहीं कर रहा था, पीछे भी लोग थे आगे भी लोग थे, और वो करेज भी कर रहे थे कि बसरा नहीं है चला लें भाई, अगर नहीं चला सकते और चलाए तो हाथ भी पकड़ लें, मगर करते रहना है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो वो इंस्पिरेशन थी, उसके बाद मैंने शुरू कर दी साइकिलिंग करना। अली लगारी साहब ने मई में फर्स्ट टाइम हमारे साथ फेसबुक से इंटरेक्ट किया और आए हमसे एक रेंट पे बाइसिकल लेके इन्होंने स्टार्ट किया, और दो तीन राइड्स में इनको बड़े मज़ा आया, इन्होंने देखा कि ग्रुप के साथ इतने स्वरूप लागी राइड कर रहे हैं, और उसमें नए लोग हैं ज़्यादातर, हम सैटरडे की राइड में प्रमोट ही उनको करते हैं जो न्यूबीज हैं, उसमें हमने देखा कि माशाल्लाह ही हैज़ अ यू नो सॉलिड मसल टू यू नो साइकिल, इन्होंने इनका पैशन देखा हमने, इन्होंने साइकिल एक दो दफ़ा रेंट की, फिर इन्होंने अपनी किसी फ्रेंड से एक साइकिल ली, फिर इन्होंने गाड़ी किसी से मांगी कि यार मुझे वहाँ तक राइड तक पहुँचने के लिए साइकिल के लिए कार चाहिए थी, सो अल्टीमेटली ही एंडेड अप के नहीं यार मुझे गाड़ी चाहिए क्यों है, वाई नॉट साइकिल, मैं घर से क्यों ना साइकिल जाऊँ। उस दिन से माशाल्लाह ये अपने सदर से निकलते और हमें राइड में ज्वाइन करते, फजर की नमाज में एक दिन ये मेरे घर के पास पहुँच गए कि यार आपके साथ मैंने जाना है, तो माशाल्लाह वो पैशन था ना जिसको जो इनको आगे लगा, फिर देन ही मेड वन मुबारक विलेज राइड विच इज अ सेंचुरी राइड, इट वॉज अ सेंचुरी राइड, उससे इनका जो एक लॉन्ग डिस्टेंस का जो फियर था ना वो अलहमदिल्ला ब्रेक हो गया, एंड देन ही कंटिन्यूड, ही फाउंड ऑल दोज बिग राइड्स जहाँ पे ये मुबारक विलेज बेसिकली यहाँ से 50 किलोमीटर का एक डिस्टेंस है, वन वे, सो बेसिकली इट बिकम्स अ सेंचुरी राइड, तो उसमें वही लोग जाते जिनका जो एंड्योरेंस, जिनके पास स्टैमिना है, जिनके पास 4-5 घंटे हैं उसको स्पेंड करने के लिए, उस जो है ना उसने एक मेंटल बैरियर को ख़त्म कर दिया, ही केम ऑल द वे बैक विद दैट ग्रुप, मजे की बात है उस ग्रुप के सारे लोग आगे पीछे हो गए लेकिन ही मैनेज टू कम बैक कम्प्लीट, 100 किलोमीटर उन्होंने किए, वहाँ से इनका और मतलब वो शौक बढ़ गया और इन्होंने इस तरह की और बड़ी बड़ी राइड्स में पार्टिसिपेट किया, इनफैक्ट यह हुआ कि कुछ साइकोलॉजिस्ट को भी इन्होंने सुबह पकड़ा और उनको ज़बरदस्ती कहा कि यार नहीं चलो बड़ी राइड्स करते, और माशाल्लाह उनको भी इन्होंने 70 किलोमीटर 100 किलोमीटर, उसके बाद से इनका ये मोमेंटम टूटा नहीं, एंड देन ही स्टार्टेड कि यार ये 100 का हो गया तो वाई नॉट यू नो गो फर्दर 150 किलोमीटर, फिर 200 किलोमीटर, फाइनली माशाल्लाह ही मेड 246 किलोमीटर ऑल द वे फ्रॉम कराची ठट्टा एंड हैदराबाद, और हैदराबाद की ये कई राइड्स कर चुके हैं, तो माशाल्लाह दिस इज़ द रीज़न ये पैशन और बढ़ता गया, तो अब माशाल्लाह इन्होंने 4000 प्लस किलोमीटर्स कर लिए हैं पाकिस्तान के अंदर, हमारे अब्दुलरहमान पलवार साहब ने माशाल्लाह 22000 किलोमीटर का एक रिकॉर्ड बनाया, उसमें भी मंथली भी होते हैं रिकॉर्ड्स, तो 4300 समथिंग किलोमीटर्स का उनका था, वो भी इन्होंने अगेन कोई पर्पज़ ये नहीं था, ये एक रिदम चल रही है इनकी और ये कंटिन्यू रहेगी, अभी जितना भी रिकॉर्ड बन जाए, मकसद ये है कि ही द ऑब्जेक्टिव वॉज टू यू नो कंटिन्यू साइकिलिंग, और एक लोगों का जो फियर है या लोगों का जो एक यू नो साइकिलिंग की तरफ एक रुझान नहीं है उसको इन्होंने बेसिकली एक्सपोज कर दिया कि आप कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, इफ़ यू हैव टाइम यू कैन ईजिली कम आउट एंड साइकिल, इसमें आप देख लें बच्चे भी आपने देखा नोटिस किया, खवातीन भी है माशाल्लाह, तो इट्स अ वेरी वेरी हेल्दी एक्सरसाइज, और सबसे बड़ी बात है कि शायद लोगों को, बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि साइकिलिंग के जो 50 बड़े बेनिफिट्स हैं, आउट ऑफ दिस द बिगेस्ट एडवांटेज इज यू नो दैट इज़ योर हार्ट, ये हार्ट के लिए बेहतरीन एक्सरसाइज है,